respiration in bacteria. What type of respiration in the bacteria? First, aerobic and anaerobic. There are both type of respiration, aerobic and anaerobic. Aerobic means oxygen ki presence ke andar, and anaerobic means oxygen ki absence ke andar. Each of them further two types. Usko bhi further two type mein divide kiya gaya. Firstly, obligate and the facultative. Obligate means normal conditions. Suppose ki ye aerobic means oxygen ki presence ke andar hoga ye. तो फैकल्टी में क्या मानेंगे एरोबिक्स को अपन? तो कहेंगे कि ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं हो तब आपके फैकल्टेटिव कंडीशंस में भी आपके ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर हो सकता है। देखते हैं वन वन टाइप क्या है। फर्स्ट एरोबिक कंडीशंस क्या है, ये एरोबिक कंडीशन अच्छे से देखते हैं अपन। फर्स्ट बात करते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स कैन रेस्पायर ओनली एरोबिकली, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही रेस्पायर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है तो किल अंडर द एनएरोबिक कंडीशंस। ये ऐसे बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो दे विल बी डाई, ये मर जाते हैं। ओके, एग्जांपल है बैसिलस सबटाइलिस, है ना, बैसिलस सबटाइलिस। ओके, सेकेंड थिंग है फैकल्टेटिव एरोब्स मीन्स रेस्पायर एरोबिकली। मगर अपन एग्जैक्टली क्या बात करेंगे, रेस्पायर तो किसके थ्रू कर रहे हैं, ये एरोबिकली कर रहे हैं, अपन को पता है अच्छे से। बट एन एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन इफ ऑक्सीजन बिकम डेफिशिएंट मींस, अगर कहा है कि ये ऐसे बैक्टीरिया हेलोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया माने जाते हैं कि अगर मान लीजिए इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ये जिस एनवायरमेंट में रहेंगे वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब भी ये आपके बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। इनको अपन बोलते हैं आपके हेलोफिल्स, और इस टाइप के अपन बैक्टीरिया को कहेंगे फैकल्टेटिव एरोब्स। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट में कौन सा होगा, दे कैन सर्वाइव ओनली प्रेजेंस इन द ऑक्सीजन, अदरवाइज द किल, है ना, मर जाते हैं। अगर बात करें अपन फैकल्टेटिव एरोब्स की तो ये इसकी कंडीशन ये मानी जाती है जनरली रेस्पायर थ्रू द aerobically, if the absence of oxygen they will be survive means ye aap aage bhi survive kar sakte hain means anaerobic conditions ke andar bhi respiration kar sakte hain ye to aisa example halophis diya apan ne fir anaerobic conditions ko dekhe to wo wapas second wo is phase facultative anaerobic means generally respire kaise karte hain ye anaerobically karte means oxygens ki absence ke andar karte hain अंडर द नॉर्मल कंडीशन। बट कभी कभी कंडीशन कौन सी, कैन रेस्पायर एरोबिकली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे। अगर नहीं है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं अपन को उनके, उसको फैकल्टेटिव एनएरोब्स। एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जितने भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द फैकल्टेटिव एनएरोब्स। एग्जाम्पल है आपके रोडोसूडोमोनास, ये एग्जाम्पल है इसका। बात करते हैं ऑब्लिगेट एनएरोब्स की, जनरली अपन ने कहा कि रेस्पायर ओनली एरोबिकली। ये जनरली बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपकी क्या करते हैं, एरोबिकली करते हैं, बट एंड किल अंडर द एरोबिक कंडीशन। ये आपके क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट कहाँ राइट नाउ एरोबिकली एंड किल अंडर द, सॉरी ये जब अगर बात करें एनएरोबिकली, दैट्स एनएरोबिकली, है ना, एब्सेंस हो। अगर मान लीजिए आपके प्रेजेंस एरोबिक कंडीशन आ जाए तो इनकी डेथ हो जाती है। एग्जांपल क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, क्या एग्जांपल है, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम। फिर बात करते हैं अपन कुछ डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, कुछ डिफरेंट टाइप डिफरेंट ग्रुप्स के बैक्टीरिया, स्पेशल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक एरो टॉलरेंट एनएरोब्स मींस सर्वाइव इन अ वेरी लो कंडीशन, बहुत लो कंडीशन, ऑक्सीजन की बहुत लो कंडीशन है वहां पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। बट डू नॉट यूटिलाइज द ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। वहां की ऑक्सीजन मान लीजिए, सपोज कीजिए वहां बहुत कम ऑक्सीजन है, लेकिन इस ऑक्सीजन को ये लेते नहीं है, इस ऑक्सीजन को सर्वाइवल सर्वाइवल के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर पाती बैक्टीरिया, इसको अपन कहेंगे
एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है आपके एलएबी, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना, एलएबी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ओके। फिर है कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया, सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द सीओ टू, वेयर टेक प्लेस द कंसंट्रेशन ऑफ सीओ टू इज द वेरी लार्ज, इस कंडीशन को अपन कहेंगे आप जो मिलने वाले बैक्टीरिया होंगे उनको बोलेंगे कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। और वहां पर जो एग्जैक्टली अपन बात करें कौन सा होगा, तो कहा एग्जाम्पल हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जो इन्फ्लुएंजा डिजीज कॉज करता है। फिर बात करते हैं माइक्रो एरोफिल्स या माइक्रो एरोफिल्स कैन ग्रो अंडर द रिड्यूज ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन कम हो रही है और CO2 बढ़ रही है, ऐसी कंडीशंस भी होती है, ऐसी आपके प्लेसेस भी होते हैं जहां पर क्या कंडीशन होती है, ऑक्सीजन धीरे धीरे रिड्यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ती है। तो ऐसे एरियाज को या ऐसे टाइप के बैक्टीरियाज को माइक्रो एरोफिल्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपके हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ओके। दैट्स अ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। होप सो आपको ये पूरी स्लाइड क्लियर हो गई होगी। इनमें सब फालतू बातें कुछ भी नहीं है, सब की सब इम्पोर्टेंट बातें एग्जाम में पूछी जाती है सब चीजें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के शेप के बारे में बात करते हैं। तो बैक्टीरिया का शेप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो अपन वन बाय वन अच्छे से क्लियर करते हैं सभी को। देखिए फर्स्ट है कॉकाई या कॉकस कहते हैं, मींस कहेंगे अगर राउंडेड स्ट्रक्चर है तो उसको कॉकस बोलेंगे। अब देखिए सिंगल अगर है तो उसको नॉर्मल कॉकस का, अगर इधर मान लीजिए डिवीजन होके दो बन गए तो नाम दे दिया आपने डिप्लोकॉकस, समझ में आई। अगर ये डिप्लोकॉकस, ये जो डिप्लोकॉकस आपके कैप्सुलेटेड नहीं है, यहाँ पे देखे डिप्लोकॉकस क्या आपके कैप्सूल बना हुआ है, देखिए चारों तरफ आपके क्या बना हुआ है, कैप्सूल बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे कैप्सुलेटेड डिप्लोकॉकस। एग्जाम्पल न्यूमोकॉकस के अंदर आपके होता है। फिर स्टेफाइलोकॉकाई, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो उनका डिवीजन है थ्री प्लेन्स के अंदर होता है, देखिए यहाँ पर कोई एक ही सिंगल प्लेन में यहाँ डिवीजन हुआ, वो एक ही सिंगल प्लेन में हुआ, यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंगल प्लेन नहीं है, एक तो ये प्लेन है, दूसरा ये प्लेन है और तीसरा आपके इस तरह से अपन कहेंगे थर्ड प्लेन के अंदर अपन कहेंगे डिवीजन हो रहा है, वो थ्री प्लेन्स के अंदर हो रहा है, यहाँ पे वन प्लेन्स के अंदर हो रहा है ना। फिर याद है कि यहाँ पर भी वन प्लेन्स के अंदर हो रहा है, देखो चेन का फॉर्मेशन कर दिया, इसको नाम दे दिया अपन ने स्ट्रेप्टोकोकाई। देखना है अपन को वन बाय अच्छे से क्लियर करना आगे। फिर है सर्सिना, ये भी आपके क्या किस पे में टू फर्स्ट और ये टू दो टू टू प्लेन्स के अंदर ये आपकी कन्वर्ट हुआ है। टेट्रेड ये भी टू प्लेन्स के अंदर है, ठीक है ना। तो अपन ने नाम दे दिया कि एग्जैक्टली जो कोकाई है एक राउंडेड बैक्टीरियाज होते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, कॉका डिप्लोकॉकस, है ना, बाद में क्या करेंगे स्ट्रेप्टोकॉकस, सेरिच आपके सर्सिना, स्टेफाइलोकॉकस, टेट्रेड्स। तो अपन ने कहा कि इनका स्ट्रक्चर्स कैसे बना है, वन अगर एक ही प्लेन में डिवीजन होता है तो एक चेन का फॉर्म हो जाता है, अगर टू प्लेन में डिवीजन होगा तो कौन सा बनेगा, सर्सिना बनेगा, टेट्रेड्स बनेगा, अगर मोर देन टू थर्ड प्लेन के अंदर डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, स्टेफाइलोकॉकस का फॉर्मेशन होगा। ये तो बात की कोकाई की, राउंडेड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बैसिलस मीन के रॉड शेप बैक्टीरिया, दैट्स अ रॉड शेप बैक्टीरिया। ये रॉड शेप बैक्टीरिया को अपन एग्जैक्टली इनके ऊपर क्या प्रेजेंस होते हैं, ऐसे इसके मूवमेंट के लिए इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंस होते हैं, ओके। ध्यान दें अगर अपन बैसिलस की बात करें, सिंगल है जो नाम दे दिया कोका बैसिलस, लाइक ऑफ द कॉकस, है ना, जो कॉकस बैक्टीरिया उसकी तरह अपने को देखेगा, इसलिए नाम दे दिया कोका बैसिलस। कोका वर्ड ढूंढने का मीन्स क्या, कोकाई की राउंडेड भी है, हल्का हल्का ही, ओके। फिर प्योर बैसिलस, फिर अगर मान लीजिए दो फॉर्म में है तो नाम दे दिया डिप्लोकॉकस, मीन्स इसका एक सिंगल प्लेन में डिवीजन हुआ तब जाके किसका फॉर्मेशन हुआ, डिप्लोकॉकस का हुआ। ऑल्ट फॉर्मेशन हुआ
तो क्या बना आपके पैलिसिड, है ना, बहुत सारे और डिवीजन हुए इस तरह से, तो फोर बन गया ये, ठीक है। फिर मान लीजिए और डिवीजन हुए तो इस तरह से क्या बना आपके स्ट्रेप्टोबैसिलाई बना। तो डेट्स अपन कह सकते हैं ये टाइप ऑफ द बैसिलेजा, टाइप ऑफ द रॉड शेप बैक्टीरिया, और ये आपके राउंड शेप्ड बैक्टीरिया और ये आपके रॉड शेप बैक्टीरिया। इसके अलावा स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया कौन कौन से रहेंगे, लेट्स सी, बडिंग एंड अपेंडेजेस बैक्टीरिया, मीन्स एक तरह से अपन कह सकते हैं इनके अंदर हाइपी बनता है एक तरह से, और दूसरा अगर बात करें इसके अंदर स्टॉक का फॉर्मेशन होता है, इन बैक्टीरिया को अपन नाम देंगे एक्सप्रेस भी बडिंग, बर्ड भी अपन कह सकते हैं ये बर्डिंग बैक्टीरिया, या कहेंगे अपेंडेजेस बैक्टीरिया, क्या काम की स्टॉक का काम करता है अपेंडेजेस के फॉर्म में, ओके। फिर और इसके अलावा कौन से इनलार्ज रॉड फिशोबैक्टीरियम, फिशोबैक्टीरियम का मींस स्पिंडल शेप बैक्टीरिया, देखिए चारों दोनों साइड से क्या है ये टैपरिंग है और बिल्कुल सेंटर से थोड़ा कैसा है ये एक तरह से इनलार्ज है। फिर विब्रियो मीन्स कॉमा शेप बैक्टीरिया, एक कॉमा शेप बैक्टीरिया विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया, कॉमा के शेप बैक्टीरिया के अंदर सिलिया सॉरी फ्लैजिला प्रेजेंस होता है, ओके। ये क्लब रॉड, ये क्लब रॉड जो आपने पहले भी देखा है एक्जेक्टली बडिंग शेप का कह सकते हैं। ये हेलिकल जो देखते हैं डंबल्स देखते होंगे डंबल शेप का। फिर बाद में कॉर्क स्क्रू फॉर्म, स्क्रू होता है ना उसके ऊपर किस तरह से डीजे एक तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिंग होती है, इसी तरह से देखिए ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिंग दिख रही है आपको ये, है ना। फिर ये फिलामेंटस एक नॉर्मल फिलामेंट की तरह ही है, और ये स्पायरोकिट बिल्कुल यही फिलामेंट है लेकिन वो कैसे आपके एक स्क्रू या कहेंगे कॉर्क शेप के अंदर अपन को देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अपन ने कहा जैसे शेप ऑफ द बैक्टीरिया, पूछे जाते हैं एग्जांपल्स, बट अपन ने अभी एग्जांपल्स के बारे में बात नहीं की है, एक जनरली अपन ने शेप ऑफ द बैक्टीरिया की एग्जैक्ट समझने की कोशिश की, किस किस टाइप के बैक्टीरिया आपके प्रेजेंस होते हैं, उनके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, उन शेप्स के बारे में पढ़ा। अब अपन वन बाय वन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और उनमें आपको एग्जांपल्स भी अपन बात करते हैं। फर्स्ट डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आर, फर्स्ट स्फेरिकल, क्या अपन ने नाम दिया था इसको कॉकाई, क्या नाम दिया था अपन ने कॉकाई। फिर देखो कॉकाई कैन बी सिंगल, देखो सिंगल भी हो सकता है मल्टीपल भी हो सकता है, और मल्टीपल है तो कितना, या तो टू में होगा फोर में होगा एट में होगा या इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कॉकाई कैन बी राउंड भी हो सकते हैं बिल्कुल, ओवल भी हो सकते हैं, इनलार्ज भी हो सकते हैं, बीन शेप भी हो सकता है। सेल वॉल की बात करें अगर अपन इसके अंदर, तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया रहेंगे, स्फेरिकल कॉकस बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहेंगे वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से मिलकर बने, और अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वहां पे थिन पेप्टिडोग्लाइकन मंसिया कहेंगे, या थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है इनमें, तो इसके अंदर होती है थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, स्फेरिकल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज द सेल्स रिमेन अटैच्ड आफ्टर सेल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक अपन जनरली सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो देखा होगा आपने कि जब सपोज कीजिए एक सेल है, इनके अंदर डिवीजन हुआ, डिवीजन होने से दो सेल बन गई, फिर इनके अंदर डिवीजन हुआ, फिर वापस दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, समझना मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसके अंदर भी डिवीजन हुआ दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये सब की सब सेल्स आपके अटैच नहीं है, फ्रीली है आपके, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है रिमेन अटैच आफ्टर सेल डिवीजन। देखा था आपने एक कॉकस था, एक का डिवीजन हुआ दो कॉकस बना, तो इस तरह से अटैच थे, है ना, इस तरह से अटैच थे। फिर अपन ने देखा इनका और डिवीजन हुआ तो एक चेन बन गई, लेकिन डिवीजन तो जरूर हुए बट सब कैसे थे आपके कनेक्टेड थे। तो मींस कहने का मीन यह है कि जब भी इनमें सेल डिवीजन होगा तो ये सब आपस में इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे, ऐसे फ्री फॉर्म नहीं होता है। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स कॉकाई आर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सब टाइप, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉकाई। फर्स्ट मोनोकॉकस मीन्स क्या कहेंगे बैक्टीरिया एक सिंगल आपके इस तरह से ग्राउंडेड हो। डिप्लोकॉकस की बात करें तो कैसे हो, दो अगर ऐसे जुड़े हुए बैक्टीरिया हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपके बात कर रहा है निसेरिया के स्पीसीज, और दूसरा कह रहा है मॉक्सेला कैट्रेस कैट्रेहेलिस, ये ना दो एग्जाम्पल्स है आपके दोनों के दोनों किसके है डिप्लोकॉकस के।
फिर ये ग्राम ईट ऊपर वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस के, और डिप्लोकोकस के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया दैट्स कॉज द निमोनिया। ये क्या कॉज करते हैं आपके ह्यूमंस के अंदर, निमोनिया कॉज करता है एंटेरोकोकस स्पीसीज। ये दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑफ द डिप्लोकोकस टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया। फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की बात करें, चेन का फॉर्म करते हैं, दिखा लिखा ना इसने अरेंज द चेन पैटर्न, इस तरह से ये अरेंज होते हैं, एक चेन के पैटर्न के फॉर्म ले लेते हैं, है ना। तो नाम दे दिया अपन ने सिंगल प्लेन, एक ही सिंगल प्लेन के अंदर डिवीजन हुआ है ना, एक ही प्लेन में ये ऐसे सिंगल प्लेन में डिवीजन हुआ है तब जाके फॉर्मेशन हुआ है। दीज आर नॉन मोटाइल, ना कोई इनके ऊपर स्टीलिया फेजिलिया नहीं होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और क्या कॉज करते हैं आपके, कोई ना कोई डिजीज कॉज करने का काम करते हैं ये। एग्जाम्पल से कुछ आपके स्ट्रेप्टोकोकाई के, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टी, ये सब के सब एग्जाम्पल्स आपके किसके, एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल बैक्टीरिया, या कहेंगे अपन कॉकस के। नेक्स्ट आगे देखते हैं टेट्रेड, वही वापस कॉकस की बात करें, अरेंज इन द फोर, अरेंज इन द फोर सेल मींस वन, एक था पहले तो एक डिवीजन ये हुआ, दो बने, दो के ये दो जो चार बन गए, वन टू थ्री और फोर, मतलब ये स्ट्रक्चर ऐसे कुछ दिखेगा आपको, वन टू थ्री फोर, है ना। तो डिवीजन कैसा हो, एक डिवीजन ये दूसरा ये, तो नाम दे दिया अपन ने टू प्लेन के अंदर डिवीजन होने से इसका फॉर्मेशन हुआ अपने पास। एग्जाम्पल करें अगर अपन तो माइक्रोकॉकस की स्पीसीज, और कहेंगे पीडोकॉकस की स्पीसीज। ओके, फिर स्टेफाइलोकॉकस की बात करें अपन तो एक तरह से ग्रुपिंग ट्राइंगुलर शेप बन जाता है, है ना, इरेगुलर क्लस्टर या थ्री प्लेन्स के अंदर डिवीजन होने से लुक लाइक ए ग्रेप्स, जैसे ग्रेप्स के अंदर अपन ने देखा हो, है ना, ग्रेप्स के कैसे क्लस्टर बनते हैं, उस तरह से इसमें क्लस्टर बन जाता है आपके, इस तरह से अपन ने देखा था अभी दो मिनट पहले, आपने देखा होगा पिछली स्लाइड के अंदर। तो थ्री डिवीजन, वन टू थ्री, थ्री प्लेन के अंदर डिवीजन होने से इस तरह से क्लस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्टेफाइलोकॉकस, है ना, स्टेफाइलोकॉकस ऑरियंस, स्टेफाइलोकॉकस हीमोलाइटिकस, तो ये एग्जाम्पल्स है आपके स्टेफाइलोकॉकस के। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल एक एक चीज को अपन क्लियर कर रहे हैं। देखिए आपको कहीं भी ऐसा कुछ लगे तो बिल्कुल तुरंत वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके तुरंत इसको दो से तीन बार पढ़े तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर बाद में सरसिनी, सरसिनी बैक्टीरिया आर द एनएरोबिक द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे आपके, अपन कहेंगे एनएरोबिक मीन्स कहेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये आपके। अकर एज अ ग्रुप ऑफ एट सेल्स, हमेशा किससे कैसे रहेंगे, ये एट सेल्स के ग्रुप में रहेंगे। देखो बार बार दो चीजें आ रही है, एक तो आ रहा है ग्राम पॉजिटिव, एक आ रहा है ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है ये अपन फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इस पे इसको लेके कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करें माइंड के अंदर, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ना है अपने को। सरसिनी का मतलब क्या है, जो एट सेल्स से मिलकर बनी है आपके, जो किसमें होती है, आप तो फेमाइल क्लॉस्ट्रिडिएसी फैमिली जो आपके बैक्टीरिया की उसमें मिलेगा आपके, और आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्किन के अंदर मिलता है ये। एग्जाम्पल्स के देखें इसके तो क्लॉस्ट्रिडियम मैक्सिमम, है ना, सरसिना ओरिएंटिका, सरसिना वेंट्रिकुलाई, क्लॉस्ट्रिडियम मैक्सिमम, फिर माइक्रो माइक्रोसीकोकस ल्यूटियंस, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स आपके कौन कौन से, सबके सब आपके सरसिनी टाइप के कॉकस टाइप के बैक्टीरियाज के हैं। तो देर आर ऑल आर टाइप्स ऑफ द कॉकस बैक्टीरियाज, है ना, सबके सब आपके कॉकस या कहेंगे राउंड शेप बैक्टीरिया के बारे में अपन ने देखा अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं रॉड शेप बैक्टीरियाज, क्योंकि रॉड शेप बैक्टीरियाज कैसे है तो अपन ने अच्छे से देखा, रॉड शेप बैक्टीरिया लाइक दैट, रॉड शेप बैक्टीरिया थे, ये थोड़ा अच्छे से डायग्राम नहीं बना, ये वाला, हाँ ऐसे रॉड से बैक्टीरिया की बात करें तो अपन देखे कैन बी ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव में है तो कौन सा, तो नाम दे दिया एग्जांपल एक्टिनोमाइसिस,
क्लॉस्ट्रीडियम बैसिलस ये सब के सब कौन से माने जाते हैं आपके रॉड से बैक्टीरिया। अगर ग्राम पॉजिटिव की बात की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो कौन सा, ई कोलाई, एशिरोचिया कोलाई कहते हैं अपन, है ना, कैबेसिला कहते हैं, साल्मोनेला है, स्ट्रेप्टोबैसिलस है, इस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑफ द रॉड से बैसिला या रॉड से बैक्टीरिया। एग्जाम्पल याद रखना, बार बार ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव आ रहा है, अभी कोई पैनिक ना ले। नेक्स्ट अपन को फर्दर जो अपने पार्ट आएंगे इसको पढ़ना डिटेल के अंदर, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कहाँ, अभी केवल थोड़ा आप कॉन्सेप्ट इसको एक बार पता रखें कि हाँ ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव है। अब क्या है ये आगे देखेंगे अपन। कैन फॉर्म द एंडोस्पोर, है ना, ये बैक्टीरिया ऐसे होते हैं उनके आपके एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। एंडोस्पोर ऐसे होते हैं जो कई सालों तक आपके डॉर्मेंसी पीरियड के अंदर रह सकते हैं, जब तक उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है ये बैक्टीरिया आपके उसी पीरियड के अंदर रहेंगे, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो नए बैक्टीरिया के अंदर आपके ये डेवलप हो जाएगा। लिखा ना डॉर्मेंट पीरियड के अंदर रह सकते हैं, और रेसिस्टिविटी होती है, चाहे कितनी भी हीट हो जाए, चाहे कितनी भी रेडिएशन आ जाए, चाहे कितना भी आपके डिसइंफेक्टेंट आ जाए, कुछ भी हो इन स्पोर्ट्स पे कुछ भी नहीं होता, इनके कवरिंग के ऊपर इस टाइप का स्पेशल टाइप की कवरिंग होती है, ये इस टाइप के एंडोस्पोर बनते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। कितनी भी आपके रेसिस्टिविटी क्यों हो वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। और कितने लिखा है इसमें, कैन सर्वाइव एक्सट्रीम हीट एंड टेम्परेचर, कितना आपके अगर 420 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो वहाँ पर भी आपके सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा इनके एंडोस्पोर की वॉल के अंदर ऐसी इनकी वॉल बनी होती है एंडोस्पोर की। फिर इसने कहा टू पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक बैसिलस स्पीसीज देखे अपन ने। फर्स्ट है बैसिलस एंथ्रिकस जो क्या काम करती है आपके एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करती है। फिर बैसिलस आपके सर्सियस जो क्या डिजीज करती है, फूड पॉइजनिंग करती है। इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में कई बार, बैसिलस सर्सियस जो कौन सा काम करती है आपके, फूड पॉइजनिंग का काम करती है आपके। ठीक है आगे देखें, देखो ऐसे अगर आप है ना बोर हो रहे हो तो बोर नहीं होना है, अभी तो बहुत लंबी रेस दौड़नी है अपने को, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। हाँ दुनिया में बहुत सारे लोग नीट के सपने देखते हैं, बट होती उन्हीं की है जो बिल्कुल है ना लगन से काम करते हैं और अच्छे से पूरे प्रिपरेशन करते हैं, अपनी रात को काली करते हैं, है ना, अपनी हर जो खुशियाँ होती हैं उनको दाव पर लगाते हैं। ऐसे नहीं होता है कि आप ना सेफ जोन में रहकर अच्छे से पढ़ाई करके बड़े बन जाओगे, नहीं भूल जाओ, ना नीट आज होगी ना कल होगी, कभी नहीं हो सकती, तो सेफ जोन से बाहर निकलो, है ना। वो आपको पता होगा आप खुद का सेफ जोन कौन कौन सा है। चलिए बात करते हैं बैसिलाई को क्लासिफाई किया फर्दर इसने। देखो बैसिलाई को क्लासिफाई किया किस किस पार्ट में, तो अपन कहेंगे बैसिलस सीरियस बन कहेंगे साल्मोनेला एंटार्क्टिका एक्सेट्रा। फिर बात करेंगे डिप्लोबैसिलस, मीन बैसिलस तो क्या एक सिंगल 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 बैसिलस ये है। फिर बात करेंगे डिप्लोबैसिलस, मीन कहेंगे दो बैसिलाई इस तरह से आपके जुड़े हुए थे, देखा था अपन ने सिंगल टाइप का एग्जांपल दे दिया मॉक्सेला बॉविस, है ना। फिर बाद में कैल्बिसेला, फिर बाद में नाम कैल्बिसेला राइनोस्क्लेरोमेटिस ये स्पीसीज है इसकी। फिर बाद में स्ट्रेप्टोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई अरेंज इन द चेन, चेन के फॉर्म में, यहाँ पर भी एक ही प्लेन के अंदर डिवीजन हुआ है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफॉर्मिस, फिर बाद में स्ट्रेप्टोबैसिलस फैलिस, ये सब के सब एग्जाम्पल्स कौन से माने जाएंगे आपके बैसिलाई के। सेकेंड है कोका बैसिलाई, मीन्स अगर देखें तो इनका स्ट्रक्चर जनरली इस तरह से होता है कोका बैसिलाई, ना तो राउंड है और ना ही आपके अपन कहेंगे रॉड शेप है। तो कंपेयर टू द अदर बैसिलाई एंड ओवल इन शेप एपियर्स लाइक अ कॉकस, कॉकस की तरह ही दिखता है। एग्जाम्पल सकते हैं क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है गार्डेनेलिया वेजाइनेलिस, ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, पूछते हैं एग्जाम के अंदर, है ना बी कनेक्टेड। फिर बाद में पैलिसिड की बात किया तो किस तरह से, इस तरह से अरेंज आपके देखे थे, है ना, इस तरह से अरेंज में आपके थे, तो कहेंगे अरेंज इन द पैलिसिड पैरेलल कंडीशन में।
फैंस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके, ठीक है। एग्जाम्पल कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, क्या है ये, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, स्पाइरल बैक्टीरिया की बात करते हैं। स्पाइरल बैक्टीरिया कौन कौन से होंगे, तो टाइप ऑफ बेस्ड ऑन द थिकनेस, किस बेस पर स्पाइरल बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया, किस किस बेस पर, थिकनेस पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर और मोटिलिटी, सेल की मोटिलिटी की बात करें उस बेस पर, थिकनेस पर, फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर बात करें तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट इज द स्पाइरल बैक्टीरिया, मीन्स ग्राम नेगेटिव एंड हैविंग द एक्सटर्नल फ्लैजिला, मीन्स ये ऑर्गेनिज्म है और इसके बाद आपके ऐसा आपके क्या रहेगा एग्जैक्टली इसका देखा जाए स्ट्रक्चर तो इस तरह से होता है स्पाइरल से, ये यहाँ पे या यहाँ पे आपके बैक्टीरिया फ्लैजिला प्रेजेंस होंगे, है ना। स्पाइरलम की बात करें एग्जांपल्स है स्पाइरलम, कैंपाइलोबैक्टर, जेजुनाइन, है ना, हेलिकोबैक्टर, पाइलोरी, ये एग्जांपल्स कौन से आपके स्पाइरलम बैक्टीरिया के। फिर आपके स्पायरोकिट, इनके अंदर पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला कहाँ होता है बॉडी के अंदर, मीन्स फ्लैजिला कहाँ होता है अंदर की तरफ, पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला प्रेजेंस होता है जो पैथोजेनिक स्पीसीज है और कॉज करते हैं सीरियस आपके डिजीज। एग्जाम्पल है लेप्टोस्पायरा, सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रिपेनोमा, पैलेडियम, ये सभी एग्जाम्पल्स दोनों के दोनों एग्जाम्पल कौन से आपके स्पायरोकिट के माने जाते हैं। ओके आगे बढ़े, देखो वन बाय वन सब चीजें क्लियर हो रही है, आपको क्लियर करनी है इनको, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कॉमा शेप्ड, मींस कहेंगे विब्रियो, कॉमा शेप का मतलब क्या होता है विब्रियो, एग्जैक्टली ये बैक्टीरिया इस तरह से कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है ना, देखते कैसे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये आपके, है ना, वेरियस आपके फूड बॉर्न डिजीज कॉज करता है ये, एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलेरी, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ये, है ना, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो पैरा हीमोलाइटिकस, है ना, विब्रियो पैरा हीमोलाइटिकस बैक्टीरिया जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हो, है विब्रियो कॉलेरी। फिर बात करें अदर शेप कौन कौन से इसके अंदर बात करें अपन, तो कहेंगे फिलामेंटस, अपन देखा था फिलामेंट की तरह था, तो एग्जाम्पल दे दिया कैंडिडियस सवेजेला, देखना सभी के सभी, है ना, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर और सब की है, सब की कैरेक्टरिस्टिक्स और सब की एग्जाम्पल्स लिए गए इसके अंदर, एक भी क्वेश्चन इनमें से बाहर नहीं जाने वाला है, आप अच्छे ढंग से अगर पढ़ोगे इसको तो। फिर स्टार से बैक्टीरिया सबको पता है स्टार से बैक्टीरिया, तो ये नाम दे दिया स्टेला हिमोसा और स्टेला वैक्यूरोटा। फिर आपके रेक्टेंगुलर, मीन्स कहेंगे रेक्टेंगुलर शेप में बैक्टीरिया प्रेजेंस है, नाम दे दिया ये कौन से हेलोफिलिक बैक्टीरिया, कौन सा हेलोफिलिक, नाम दे दिया अपन ने हेलोरक्यूला एंड वेलिशोरमोटिस, ये कौन सा आपके वेलिशोरमोटिस कौन सा बैक्टीरिया, ये जो आपके रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया माना जाएगा, ये कहेंगे अपन एग्जैक्टली इनका नाम अपन कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के अदर शेप्स है ये, प्लीरोमॉर्फिक जो आपके बार बार शेप चेंज करते हैं, एबिलिटी टू चेंज देयर शेप ड्यू टू, किसकी वजह से चेंज होता है बार बार, तो अपन ने कहा एक्सटर्नल फैक्टर लाइक प्रेशर एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से अगर कोई बैक्टीरिया अपना शेप बार बार चेंज करे तो उसका नाम देंगे प्लीरोमॉर्फिक। ओके फिर का एग्जांपल का तो माइकोप्लाज्मा निमोनी, फिर माइकोप्लाज्मा जेंटेलियम, तो ये दोनों एग्जाम्पल इसके माने जाते हैं। ओके क्लियर आगे बढ़े, ठीक है। फिर बात करते हैं अपेंडिजिस बैक्टीरिया की, अगर बात करें अपेंडिजिस बैक्टीरिया कौन से, नोन एज द बडिंग बैक्टीरिया, क्या नाम देते हैं अपन इसको, नाम एग्जैक्टली अपेंडिजिस निकलाते हैं ना, ऐसे अपेंडिजिस निकला तो नाम दे दिया अपेंडिजिस बैक्टीरिया, मोटाइल हो सकता है और नॉन मोटाइल भी, मोटाइल है तो फ्लैजिला प्रेजेंस है इसके अंदर, एग्जाम्पल है आपके हाइपोमाइक्रोबियम, है ना, और दूसरा रोडोमाइक्रोबियम, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल अपेंडिजिस है। ट्राइकोम, ट्राइकोम का मतलब इस तरह के ट्राइकोम आपके निकले हुए रहेंगे, आप चेन ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स, ये कैसे है ट्राइकोम, कैसे मान सकते हैं अपन, चेन ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स के फॉर्म में, एग्जाम्पल है आपके थायरोथ्रिक्स निविया, लोब्ड मीन्स ऐसे लोब्ड होते हैं, डेट लाइक ऐसे लोब्ड बैक्टीरिया होते हैं, और कहाँ मिलते हैं आपके हॉट और वॉल्केनिक स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा गर्म जगह होती है, जो गर्म प्रदेश होते हैं, जो गर्म आपके प्लेसेज रहते हैं वहाँ पे अपने को ये देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फ्लैजिलेटेड होते हैं ये आपके,
हाँ इरेगुलर शेप अपन को इसमें देखने को मिलता है इनका। फिर बाद में ये एसिडोफिलस और थर्मोफिलस हो सकते हैं। एसिडोफिलस का बैक्टीरिया का मीन्स कौन सा, जो एसिड कंडीशन या एसिडिटी कंडीशन ज्यादा है वहां पे, या कहेंगे जहाँ पे पीएच बिल्कुल डाउन है वहां मिलने वाले बैक्टीरिया को एसिडोफिलस कहेंगे। थर्मोफिलस जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है ना, उसको अपन थर्मोफिलस बैक्टीरिया कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सल्फोगस एसिडो एसिडो कैल्डेरस, फिर बाद में कहेंगे सल्फोबस सल्फेटेरिकस, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स को किसके, आपके लुप्त बैक्टीरिया के। फिर फ्यूसीफेम मीन्स फ्यूसीफॉर्म, इस तरह का बैक्टीरिया दोनों एंड से, तो कैसे होता है इस, सॉरी इस तरह से दोनों एंड से तो कैसे टेपरिंग है, दोनों एंड से टेपरिंग है और बीच में से बिल्कुल थोड़ा मोटा सा दिख रहा है, तो बल्जेज है। बल्जेज इन द मिडल, मिडल से तो बल्जेज हो गया और दोनों साइड से एंड एंड इधर टेपर, दोनों साइड से कैसा है टेपरिंग है, ये आपके एग्जांपल है। फीसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम। फिर स्टॉक की बात किया, डेवलप एट द वन एंड ऑफ द बैक्टीरिया ड्यू टू द एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन, हमेशा एक स्टॉक बन जाता है। सपोज बैक्टीरिया ऐसा ही हो जाता है इस टाइप का, एक साइड स्टॉक बन जाता है इस तरह से। क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिकल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं होने की वजह से स्टॉक बन जाता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं अपन कोलोबैक्टीरिया कैसेंटस, ठीक है। तो ये अपन ने बात की, अपन ने स्टॉक बैक्टीरिया की बात की। सीटेड बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें, जिनके सीट प्रेजेंस होती है कवर्ड विद द सीट के थ्रू, कहाँ मिलते हैं अपने को, वाटर के अंदर मिलते हैं, और ये अपने एग्जाम्पल नाम देंगे लिप्टोथेरिक्स या क्लोनोथ्रिक्स नाम देते हैं बैक्टीरिया का। तो ये सभी के सभी अपन ने अभी तक जो पढ़ा, दो चीजें आज अपन ने कवर की इसके अंदर, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया और सेकेंड थी शेप ऑफ द बैक्टीरिया। दो चीजें अपन ने बिल्कुल क्लियर की, बैक्टीरिया की शेप ऑफ द बैक्टीरिया और रेस्पिरेशन इन द बैक्टीरिया। होप सो आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए तो वीडियो को पॉज करके बार बार अच्छे से सुने और देखे, और फिर भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें ताकि आपका सॉल्यूशन निकाला जाए। ओके होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं।